हाय हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स फॉर यू में आपका सभी का स्वागत है। और एक बार ये नीट के सीरीज़ में आपको मालूम है कि ये जो नीट का हम सीरीज़ चालू किया चैप्टर वाइज प्रीवियस थर्ड ईयर का नीट और एपीएमटी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, वहाँ पर 16 बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम किए थे। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आता है इससे, पोटेंशियोमीटर्स का जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट लोग, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम आसान क्वेश्चन, 30 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आप लोगों को पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर में क्या है थोड़ा सा एक बार रिवीशन कर दे रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम में घुसूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा उसमें थ्योरी में डिस्कस नहीं करूंगा, पहले वाला में थ्योरी डिस्कशन करेंगे। क्या रहता है पोटेंशियोमीटर में, क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर से, हम ईएमएफ मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर इज ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जब ये मेजर करता है कुछ तब इसके थ्रू, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इसका जो प्राइमरी सर्किट है, ये वाला प्राइमरी सर्किट है, ऊपर का पार्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो नीचे का पार्ट है एक्सपेरिमेंट के समय इसी को चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, ये जो ईएमएफ है, ये सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना है अननोन है। पकड़िए कि आपको रास्ता में एक बैटरी मिल गया तो उसका वोल्टेज कितना है, आपको चाहिए ये कितना वोल्टेज देगा उसका मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट में बैटरी है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो इसको चेंज करके हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी में जिसको हम मेज़र करेंगे, क्या क्या मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से या अननोन ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। वो अननोन ईएमएफ जो है, वो अननोन जो सेल है उसका सोर्स का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दो सोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम है पोटेंशियोमीटर का। ये जो वायर है ये एक्चुअली में बहुत बड़ा वायर होता है, ऐसे 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 रहता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, वो पार लेंथ में डिवाइड रहता है। मतलब अगर इधर पे 10 वोल्ट आया और इसका लेंथ अगर से 100 सेंटीमीटर है तो पार लेंथ का एक वोल्टेज मिलेगा उसका, वो उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पूरा वोल्टेज अगर V है और इसका पूरा लेंथ अगर L है तो V बाय L है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पार सेंटीमीटर का, पार मिलीमीटर का कितना वोल्टेज है। पकड़िए यहाँ पे 100 वोल्ट है आपका और ये 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक एक सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना है, एक वोल्ट का। ठीक है, ये अगर 100 वोल्ट है और ये अगर पकड़ लीजिए आप 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक सेंटीमीटर का वोल्ट हो गया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए, तो जब भी ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस होता है, जब भी ये बैटरी यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करता है, मतलब इस पोर्शन का जो वोल्टेज है वो इसका इक्वल है, इसीलिए करंट नहीं फ्लो होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तब भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका वोल्टेज इक्वल होने से गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसका वोल्टेज कितना कैसे मालूम होगा, ये डिस्टेंस हमको मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम करते करते हम लोग सीखेंगे। क्या बोले प्रॉब्लम में, बोले कि पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। पोटेंशियोमीटर वायर मतलब ये कितना है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, एंड ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हम चेंज नहीं किए हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल एक रेजिस्टर है इसको हम ऐसे वेरी नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है, प्राइमरी सर्किट फिक्स्ड है। इसका मतलब आप समझिए, ठीक है, प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा बुक में आप खोलेंगे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है क्योंकि ये प्रॉब्लम तो नहीं पूछेगा नेक्स्ट ईयर में ना, इसका कॉन्सेप्ट का ही कुछ पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, तो कांस्टेंट पोटेंशियल, ये जो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, इसका मतलब है कि प्राइमरी सर्किट में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, प्राइमरी सर्किट का हम ये बैटरी चेंज कर दी तो इधर का वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, ये के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा।
या पे अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे घटाएंगे तो भी पोटेंशियल ड्रॉप इधर पे अलग हो जाएगा, क्यों, करंट चेंज हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट, सो फर्स्ट टू सपोर्ट एंड अनदर एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सब कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सब सेकेंडरी में। प्राइमरी का बात खत्म हो गया, प्राइमरी का बात कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे। जब भी लिखा है कि डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए बी, दैट मींस वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन द प्राइमरी सर्किट, व्हाट एवर वी आर डूइंग इन द सेकेंडरी पार्ट, ओके, जहाँ पे हमको मेजर करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले, हाँ, तो फर्स्ट देखिए, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो सेल ऐसे कनेक्ट हो सकता है या फिर ऐसे कनेक्ट हो सकता है, ये दोनों सेम है, मतलब इसका पोटेंशियल अगर E1 E2 होगा तो दोनों को मिला के होगा E1 प्लस E2, और इसका E1 माइनस E2 होगा, E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं आप, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके हिसाब से पोलरिटी होगा, ठीक है। तो ये दो केस है, पहले हम लोग ऐसे 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 दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में ताकि वो सपोर्ट करे, एक सपोर्ट मतलब क्या, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, आप किसी को धक्का मार रहे हो तो पीछे से और एक धक्का मार रहा है तो आपको सपोर्ट कर रहा है, और अपोज क्या, आप इधर से धक्का मार रहे हो उधर से कोई धक्का मार रहा है, अपोज है, ये देखिए अपोज है, ये दोनों केस का एक देखिए, पॉइंट ऑब्टेन एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब हम जब ये दोनों को कनेक्ट किए तो ये 50 सेंटीमीटर में बैलेंस हुए, और ये दोनों को जब ऐसे उल्टा कनेक्ट किए तो ये 10 सेंटीमीटर में बैलेंस हुए। ये 50 और 10 का क्या मामला है, 50 मतलब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, ये दोनों का तो ज़्यादा है, ये दोनों का कम है, देखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, दोनों जब ऐसे लगा हुआ है कि दोनों दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 50 सेंटीमीटर का, ये वोल्टेज है, ये तो 50 है, ये तो लेंथ है, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब एक सेंटीमीटर का कितना वोल्टेज है, 50 सेंटीमीटर का कितना वोल्टेज होगा, हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हम इक्वल लिख सकते हैं। अरे देखिए, के में क्या है, वोल्टेज बाय लेंथ है, उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ कट जाएगा तो वोल्टेज ही रहेगा ना, तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ही हो रहा है, ठीक है। तो कितना वोल्टेज हो रहा है, दोनों को मिला के कितना वोल्टेज, जो 50 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल है, देखिए आप एट 50 सेंटीमीटर, मतलब के अगर मालूम होगा हमको मालूम नहीं है अभी के, इसीलिए हम के लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, और सेकंड में क्या बोले, ऑपोजिट एंड एंड वायर इन द टू केसेस एंड नेक्स्ट चेक 10 सेंटीमीटर है, सो E1 माइनस E2, वी आर टेकिंग E1 ग्रेटर, ओके, डोंट वरी। सो ये हो गया आपका 10K, देख लीजिए, ठीक है। क्या बोलने की, क्या निकालने के बाद, द रेशियो ऑफ द EMFs, ठीक है। अब ये दोनों का, ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आपको मालूम होगा थ्योरी तो एकदम फटक से हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का डिवाइड कीजिए आप, क्या होगा ये E1 प्लस E2 50/10 और अदर 5/1, क्लियर, दैट इज E1 प्लस E2 इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2, इसको इधर पाने दीजिए आप, हो जाएगा 6E2 इक्वल टू 4E1। हमको क्या चाहिए, E1 इज टू E2 चाहिए, तो E1 इज टू E2 हो गया आपका, कितना हो गया 4/6, E1 E2 6/4, सॉरी 3:2, सो B इज द राइट आंसर, ओके। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, समझ में आया आपको, कि तार में पूरा जो वोल्टेज है जो प्राइमरी सर्किट सेंड कर रहा है वो पूरा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, हर एक आप मिलीमीटर में कर सकते, सेंटीमीटर में कर सकते, माइक्रोमीटर में कर सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है। और ये जहाँ पे बैलेंस होगा, इसका जो वोल्टेज होगा ये इतना, ये लेंथ का जितना वोल्टेज है वो, ये लेंथ हमको स्केल से मालूम पड़ जाएगा, फिर के अगर मालूम होगा आपको, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, एकदम ईजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करें।
चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर टू के तरफ बढ़ते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 18 नंबर क्वेश्चन है और पोटेंशियोमीटर का टू, ठीक है 18 लिख रहे थे हम, पिछले बार 17 था, फर्स्ट लेक्चर में 1 to 16 था, ठीक है। चलिए क्या बोला है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड अ रेजिस्टेंस आर वन। ओके तो अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर, मतलब इसका जो लेंथ है ये है कैपिटल एल, है इसका लेंथ और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ओके स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड अ रेजिस्टेंस आर वन। ये जो बैटरी है ई वन और इसका इंटर इसका रेजिस्टेंस आर वन है, मतलब यहाँ पे जितना भी बात किया है सब प्राइमरी सर्किट। आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ है एल और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है ई वन, ईएमएफ है ई वन और इसका रेजिस्टेंस है आर वन, ठीक है। एंड अननोन ईएमएफ ऑफ ई इज बैलेंस्ड एट लेंथ एल, मतलब यहाँ पे अगर आप एक अननोन ईएमएफ ई डालेंगे तो ये स्मॉल एल पे बैलेंस होगा। द ईएमएफ ई विल बी गिवन बाय, मतलब ई का इक्वेशन आपको ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, ये बैलेंस कंडीशन है। तो पहले हम इधर पे करंट दौड़ा लेते हैं, इधर पे कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा बोलिए आप, आई इक्वल टू कितना होगा, ये प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ कितना है ई वन, रेजिस्टेंस कितना है आर वन प्लस इसका रेजिस्टेंस पूरा का आर है। आप ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका आर वन और ये रेजिस्टेंस हो गया आर, तो इधर पे कितना करंट फ्लो होगा, एकदम देखिए एकदम आसान चीज है, आई इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस आर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये ई निकालना है, ये ई कितना होगा, इसका जो लेंथ है इस लेंथ पे कितना वोल्टेज आता है। तो आप अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल पाएंगे वी बाई एल तो आपका ई तो एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस हिसाब से इसका लेंथ कैपिटल एल दिया हुआ है, मतलब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो वी बाई कैपिटल एल होगा। अब आपको पहले वी निकालना है, वी कितना होगा, वी इसके अक्रॉस में वोल्टेज मतलब आई इंटू स्मॉल आर, तो वी हो गया आपका आई इंटू स्मॉल आर। वी क्या है, वी है ये पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है आपका आई इंटू आर, आई हो गया आपका ई वन बाय आर वन प्लस आर, ये हो गया आपका वी, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका वी, अब क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, जिसको अगर आप इसके लेंथ से मतलब कैपिटल से डिवाइड कर दोगे तो आपको के मिल जाएगा, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ई कितना होगा, ई होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ईच यूनिट का लेंथ कितना है, ईच यूनिट का वोल्टेज कितना है, ठीक है पर यूनिट लेंथ का वोल्टेज कितना है। और आपको चाहिए कि ये स्मॉल एल में बैलेंस कर रहे हैं, देखिए देखिए कहाँ पे ये स्मॉल एल में बैलेंस कर रहे हैं, मतलब स्मॉल एल लेंथ का वोल्टेज कितना होगा, स्मॉल एल इंटू के, स्मॉल एल इंटू के, तो इक्वल टू स्मॉल एल इंटू के, तो के हो गया आपका ये स्मॉल एल। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में अच्छा ई नॉट है ना, हम ई वन डाल दिए, ई नॉट होगा, हाँ ई नॉट है, तो ई नॉट इंटू आर एल, ई नॉट इंटू आर एल भाई है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इसके लिए आपको थ्योरी जानना है ना, पोटेंशियोमीटर की थ्योरी जाने इससे भाई ये नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। देखिए क्या किया, कुछ नहीं जस्ट डेरिवेशन किया है, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है आपको समझ में आया, मालूम है आपको, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपको पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो आपको निकालना है, करके पूरा पोटेंशियोमीटर वायर का जो तार है उसका लेंथ से डिवाइड करना है, बस आपको पर यूनिट लेंथ का वोल्टेज मिल जाए। और ये गैल्वेनोमीटर जिस लेंथ पे बैलेंस होगा उससे के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई का वैल्यू निकल जाएगा। ये सेकेंडरी में जो ईएमएफ है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको काउंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता इसीलिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 4 मीटर, इसका लेंथ है 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्युमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट सो एज टू गेट ए पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 mV/cm ऑफ द वायर। मतलब के का वैल्यू बोला गया है 1 mV/cm, ठीक है। और ये होने के लिए यहाँ पे आपको कितना रेजिस्टेंस डालना है वो निकालना है, कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पाने के लिए आपको इधर पे कितना रेजिस्टेंस डालना है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है पूरा प्राइमरी सर्किट का प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंडरी का कुछ है नहीं, मतलब सेटअप कर रहे हैं हम, किसको सेटअप कर रहे हैं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेटअप कर रहे हैं। मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट में चेंज कर रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये इसको हम वोल्ट पर मीटर में कर लेते हैं, आसान होगा। फिर 1 mV/cm मतलब 10^-3 वोल्ट बाई 10^-2 मीटर, मतलब 1/10 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लेंथ कितना है, 4 मीटर है, इसका लेंथ कितना है 4 मीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, 1 मीटर का है 1/10, तो 4 मीटर का कितना होगा, K into L, आपका फॉर्मूला K into L, तो K हो गया 1/10 into L, मतलब 0.4 वोल्ट, ठीक है। हर हर एक मीटर का, 4 मीटर का लेंथ का जो वोल्टेज है टोटल 0.4 वोल्ट। अभी कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई दिए, सर्किट ड्रॉ करना है, ये है आपका 2 वोल्ट, इधर पे आपको एक रेजिस्टेंस डालना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट है कितना है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बोला गया 8 ओम, और इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है। अब देखिए इधर पे आप 2 वोल्ट डाल रहे हैं, इधर 0.4 वोल्ट कौन सी हो रहा है, तो बाकी 1.6 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ये रेजिस्टेंस खाएगा इसको, हाँ या ना बोलिए, तो 1.6 वोल्ट रेजिस्टेंस खाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0.4 वोल्ट खा रहा है और ये 4 गुना खा रहा है इससे, और जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो इसीलिए ये 0.4 वोल्ट है, ये 8 ओम खा रहा है, ये 1.6 वोल्ट है, मतलब इसका जो ओम है होगा इससे 4 गुना ज़्यादा होगा, इसीलिए 4 गुना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 32 ओम होगा, 32 ओम होगा। अगर इससे आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, आप यहाँ पे करंट दौड़ाइए, एक आई वोल्ट कितना होता है, V/R होता है, V कितना है इधर पे 0.4 वोल्ट निकाले हम पहले ये, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, मतलब 1/20 एम्पियर, तो यहाँ पे 1.6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ये इससे ये कन्फर्म है, यहाँ पे 0.4 वोल्ट, यहाँ पे 2 है, मतलब ये बाकी 1.6 वोल्ट इधर जा रहा है, तो V = I into R, V कितना है आपका 1.6, I है 1/20 R, सो R = कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए 32, दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, तो C है हम लोग का राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। हाँ, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, देखने में इतना बड़ा है लेकिन इतना छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान है, हाँ ऐसा बात नहीं, लेकिन पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए
क्या क्या बोले कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल गैरेंटी इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर, ओके, एंड द एमीटर रीड्स 1 एम्पीयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एमीटर रीड्स 1 एम्पीयर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ, दिस इज अ टू वे स्विच, मतलब ये इधर भी लग सकता है इधर भी लग सकता है, ठीक है, ये टू वे स्विच है, ये इधर भी लग सकता है इधर भी, वो ऑफ है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, टू वे स्विच इज ऑफ, तब एमीटर में कितना रीडिंग है 1 एम्पीयर, मतलब इधर पे कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर का जो वोल्टेज है V बाय R प्लस X इक्वल टू 1 एम्पीयर है, तो जब तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इधर पे अगर करंट नहीं जाएगा तो इधर पे कितना करंट दौड़ेगा 1 एम्पीयर करंट दौड़ेगा, क्लियर। आप इधर पे अगर गैल्वेनोमीटर भी लगा देंगे, ये गैल्वेनोमीटर जो है कनेक्ट कर देंगे, इधर पे अगर करंट नहीं जाएगा बैलेंस्ड है तब भी इसमें 1 एम्पीयर ही फ्लो होगा, यही बोल रहे, जब भी बैलेंस्ड होगा तब 1 एम्पीयर है, ये ओपन है मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जब ये कनेक्ट होगा ये बैलेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब भी करंट जीरो ही होगा, तब भी इधर पे 1 एम्पीयर ही दौड़ेगा, क्लियर। चलिए, द बैलेंस पॉइंट्स व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स नंबर 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 इज प्लग्ड इन आर फाउंड टू बी लेंथ L1 एंड L2, मतलब जब ये 1 1 1 पे लगा, 1 एंड 2 लगा हुआ है तब ये L1 पे बैलेंस हो रहा है, जब जब ये 1 एंड 3 लगा हुआ है तब ये L2 पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ R एंड X इन ओम देन इक्वल टू, तो पहले जब ये L1 पे बैलेंस हो रहा है, मतलब 1 एंड 2 कनेक्टेड है, देखिए 1 एंड 2 कनेक्टेड है, मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये ऐसे ऐसे ही फ्लो हो रहा है, बैलेंस है तो करंट ऐसे ही फ्लो, मतलब यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट ही फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है वो देखिए R के अक्रॉस में दिखा रहा है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि R इंटू I, यहाँ पे अगर I करंट फ्लो हो रहा है, R इंटू I इज इक्वल टू K इंटू L1, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पिछले प्रॉब्लम से आपको मालूम ही पड़ जाएगा शायद, देखिए मैं पोटेंशियोमीटर का अलग से एक वीडियो है, हिंदी में है और बंगाली में है, दोनों में है, तो दो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इधर पे देखिए 1 एम्पीयर दौड़ रहा है, इधर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 1 इंटू R, I लिखे हैं, R इंटू I, ये किसके किसके बराबर है, ये L1 का जो वोल्टेज है, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, मतलब K इंटू L1 है आपका, ये R1 बैठा दीजिए तो R इक्वल टू हो गया आपका K इंटू L1 है ऑप्शन में, देखिए ये और ये दोनों है, तो ये दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा, अगर एक होता तो यही राइट मान लेते थे हम, ठीक है। चलिए, एग्जामिनर तो इतना बेवकूफ है नहीं कि इतना आसान डाल देगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में क्या होगा, जब जब देखिए 3 और 1 बैलेंस है, 3 और 1 बैलेंस मतलब ये करंट पूरा R और X, देखिए ये जो ये आपको जो रीडिंग है ये दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप को सजेस्ट कर रहा है, देखिए 1 और 3 मतलब ये पूरा पूरा ये पूरा वोल्टेज इधर पे आ रहा है, इसका मतलब है कि R प्लस X इंटू I तो 1 है, 1 एम्पीयर है, बैलेंस कंडीशन में 1 एम्पीयर होगा, बोले हम पहले ही बोल दिए ऊपर कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब नीचे 1 एम्पीयर ही आ रहा है, इक्वल टू कितना होगा K इंटू L2 होगा, तो X आपको निकालना है, X इक्वल टू हो गया K इंटू L2 माइनस K इंटू L1 मतलब K इंटू L2 माइनस L1, पेन भी नहीं लगेगा, आप दिमाग से सोचोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका B हो गया राइट आंसर, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में और दूसरा चैप्टर लेके उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे।